नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो एक वेजिटेबल वेजिटेबल क्रॉप्स हम पढ़ रहे थे उसमें कंप्लीट हमने कर ली थी, बट एक और यहाँ पर कुकर बिट्स है, इसको भी हमें कंप्लीट करना था। जो रह गया था वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे कुकर बिट्स के अंदर, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। सारी कुकर बिट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाला पार्ट भी हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी मैं कंप्लीट यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑलमोस्ट आपका जो है PHM मैंने करवाई दिया है, एक लेक्चर और बचा है जिसमें आपको ये उसमें ये आ जाएगा सारा कि हाँ PHM ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट ही हो गया है ना। इसके बाद हम फ्लावर क्रॉप का एक या दो लेक्चर फ्लावर क्रॉप के हो जाएंगे, जिसमें मेन मेन अपना रोज है, ग्लेडियोलस वगैरह, क्राइसेंथेमम, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा गार्डन के बारे में पढ़ेंगे, तो ओवरऑल आपका हॉर्टिकल्चर जो है एक या दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे कुकर बिट्स, या इसको कुसमांड कुल फ्रूट्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें इसकी थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी, ठीक। चलिए, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें थोड़ी सी यहाँ पर समझनी पड़ेगी। चलो, अब ये कुकर बिट्स हैं, ये कुकर बिट्स जो है वर्ड है ना बच्चा, ये किसी एक साइंटिस्ट ने दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, डॉक्टर बेली। ये कुकर बिट्स जो टर्म्स हैं, ये टर्म कुकर बिट्स, ये जो टर्म है ये दिया डॉक्टर बेली ने, डॉक्टर बेली ने जो है ये टर्म्स दिया है, डॉक्टर बेली। इन्होंने इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं, इन तरीके के जो वेजिटेबल्स हैं, इनको क्या दे दिया नाम, कुकर बिट्स दे दिया है ना, जो वेंस में चलती है, लताओं में चलती है ना। देखा होगा आपने, चाहे कद्दू आप देखो है ना, चाहे आप तरबूज देखो, चाहे आप खरबूज देखो, चाहे आप लौकी देखो, चाहे करेला देखो, ये कैसे चलते हैं, बेल के थ्रू चलते हैं। तो इनको नाम दे दिया कुकर बिट्स, और जितने भी कुकर बिट्स हैं इन सबकी फैमिली एक ही रहेगी है ना। अगर इसकी फैमिली की बात करो तो सब किस फैमिली के अंदर आते हैं, किस कुल के अंदर आते हैं ये, तो ये बच्चा सब के सब जो है एक ही कुल के अंदर आते हैं, और उनका नाम क्या है, कुकर बिटेसी फैमिली से आते हैं। सारे की सारी वेजिटेबल जो है कुकर बिटेसी फैमिली से आती है, क्लियर है। इनका फ्रूट टाइप सबका एक जैसा है, इनका फ्रूट टाइप क्या होगा बच्चा, फ्रूट टाइप फल प्रकार, इसका फ्रूट टाइप्स, ये इसको हम क्या बोलेंगे, फल प्रकार। तो इन सबका फल प्रकार, हालांकि मैंने जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है या जो क्लासिफिकेशन उसमें बता दिया था, ये सारा किसके अंदर आते हैं, पेपो के अंदर है ना। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पेपो जो है किस किन किन वेजिटेबल्स का जो है ये फ्रूट टाइप्स है, तो ये वेजिटेबल्स, ये इनको फ्रूट भी फ्रूट क्यों बोल देते हैं, इनको फ्रूट क्यों बोला जाता है बच्चा, जो ओवरी से बनता है, याद रखना वेजिटेबल और फ्रूट में डिफरेंस क्या है। जैसे पोटेटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम से, वो फ्रूट किससे, ओवरी से नहीं बनता है ना, ओवरी से नहीं बनता है, मतलब उस ये किससे बनता है, अब इन अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है वहाँ से बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर फ्रूट, जैसे टमाटो को हम फ्रूट्स बोल देते हैं, मिर्ची को हम फ्रूट बोल देते हैं, तो ये ओवरी से बनते हैं, जो ओवरी से बनते हैं उनको फ्रूट्स बोला जाता है, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। और जितनी भी कुकर बिट्स है, ये सारी के सारी किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ये सी3 प्लांट्स होते हैं, याद रखना ये सारे के सारे क्या है, C3 पौधे हैं, C3 प्लांट्स हैं, क्लियर। अब इनमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगी, क्या चीज़ें हैं। अगर इनको हम टेम्परेचर दे देते हैं, हाई टेम्परेचर अगर इनको दे देते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर अगर इसको दे देते हैं, हाई टेम्परेचर कुकर बिट्स में, अगर मान लो इनको अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, हाई टेम्परेचर, वैसे तो ये हाई टेम्परेचर में ही होते हैं, उच्च तापमान में ही होते हैं, उच्च तापमान इनके लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर प्लस लॉन्ग डे, हाई टेम्परेचर लॉन्ग डे मतलब दीर्घ दिवस बोल सकते हो, दीर्घ दिवस, लंबा दिन, और अगर हाई टेम्परेचर अगर इन क्रॉप को मिल जाता है, कुकर बिट्स को मिल जाता है, तो ये क्या करता है, मेलनेस, मेल फ्लावर को प्रमोट कर देते हैं, जो मेल फ्लावर है, जो नर पुष्प है उनमें वृद्धि हो जाती है, नर पुष्प में वृद्धि हो जाती है। तो अधिक टेम्परेचर भी इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड मेल फ्लावर। तो टेम्परेचर तो इसमें अधिक चाहिए, समर क्रॉप है, सारी गर्मियों में होती है, लगभग फरवरी मार्च में इसकी हम सोइंग कर देते हैं, मतलब फरवरी मार्च में लगा देते हैं इसको, और जैसे इसमें एंथेसिस होता है, जैसे फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के लगभग 30-40 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर इनको दे दिया, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर इन दे दिया, जनरली कितना चाहिए इनको, 24-28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए, कितना, 24-28 डिग्री, अगर से ज़्यादा टेम्परेचर इनको मिलेगा तो मेल फ्लावर की संख्या जो है बढ़ जाएगी, मेल फ्लावर ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हार्मोन्स काम करते हैं इन फ्लावर्स के लिए, मेल और फीमेल के लिए,
कि मेल फ्लावर अगर आपको इंड्यूस करवाना है, क्यों? क्योंकि जैसे पॉलिनेशन इसमें होता है, देखो इसमें जो पॉलिनेशन होता है, इनमें जो पॉलिनेशन होता है कुकरबिट्स फैमिली में, इनमें जो परागण होता है, इनमें जो परागण होता है बच्चा, वो होता है इंसेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू, याद रखना। क्या होता है? इंसेक्ट के थ्रू, कीटों के थ्रू इनमें होता है। और जब कीटों के थ्रू होता है तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटोमोफिलिक, इंटोमोफिलिक बोला जाता है। ठीक है, इंटोमोफिलिक बोला जाता है जब कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो। ठीक, अब इनको कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मतलब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से जो एंथर है वो जाएंगे फीमेल फ्लावर पे, तो हमें कई बार क्या होती है मेल फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है, और फीमेल फ्लावर तो चाहिए चाहिए है ना, प्रोडक्शन तो वहीं से मिलेगा, तो मेल फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार हमें ऐसा हार्मोन डालना पड़ेगा जो हमें मेल फ्लावर को इंड्यूस करवाए, कुछ ऐसा हार्मोन डालना पड़ेगा जो फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करवाए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है ग्रोथ रेगुलेटर्स की, है ना, बाद में किसकी कर रहा हूँ, ग्रोथ रेगुलेटर्स की, रेगुलेटर। अब जो ग्रोथ रेगुलेटर है, वृद्धि नियामक जिसको हम बोलते हैं, है ना। अब ये कब किस समय अप्लाई करते हैं, याद रखना, ये करते हैं लगभग 2 से 4 लीव स्टेज पे, 2 to 4 लीव स्टेज की अवस्था में जो है ग्रोथ रेगुलेटर को अप्लाई करते हैं कुकरबिट्स के अंदर, 2 to 4 स्टेज में। अब 2 to 4 स्टेज में स्टार्च अप्लाई करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स को, हार्मोन्स को अप्लाई करते हैं, लेकिन कौन से और किसके लिए? तो ये दो कैटेगरीज यहाँ पर बनती है, एक कैटेगरीज बनती है, है ना, दो एक कैटेगरीज बनती है अगर हमें क्या करना है, इंड्यूस करवाना है मेल फ्लावर। ठीक है, मेल फ्लावर अगर इंड्यूस करवाना है, दूसरा या तो हमें क्या अगर इंड्यूस करवाना है फीमेल फ्लावर। ठीक है, फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प अगर इंड्यूस करवाना है, मादा पुष्प तो कौन से हार्मोन देना पड़ेगा, और जो नर पुष्प है उसके लिए कौन सा हार्मोन देना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नर पुष्प है अगर इनकी संख्या हमें बढ़ानी है तो हमें हार्मोन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, वो है AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं। दूसरा आप ले सकते हो GA3 जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, GA3 जिब्रेलिक एसिड और सिल्वर थायोसल्फेट। क्या लिखोगे? सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर थायो सल्फेट, ये देते हैं किसके लिए? मेल फ्लावर अगर इंड्यूस करवाना है तो, समझ गए? अगर हमें मादा पुष्प की संख्या बढ़ानी है तो ये हार्मोन आपको देना पड़ेगा, और किस स्टेज पे? लगभग 2 to 3 या 2 to 4 लीफ स्टेज में इसको देते हैं। और अगर फीमेल फ्लावर इंड्यूस करवाना है तो यहाँ पर आपको हार्मोन देना पड़ेगा नेप्थलिक एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सिन है, ये नेचुरल आर्टिफिशियल वाला नेचुरल लिखी होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये नेप्थलिक एसिड दे सकते हैं यहाँ पर, साइकोसिल ट्रिपल सील साइकोसिल दे सकते हैं, मेलिक हाइड्राजाइड जनरली हम ओनियन और पोटेटो में यूज़ करते हैं स्टोरेज के टाइम पे, ताकि उनमें क्या हो, अंकुरण ना हो, ठीक है, और इथरेल, इथरेल ये हार्मोन हम यूज़ करते हैं फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाने के लिए, किसके अंदर? कुकरबिट्स के अंदर। और अगर मेल फ्लावर की संख्या बढ़ानी है तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जिब्रेलिक और सिल्वर थायोसल्फेट यहाँ पर यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, चलो और क्या चीज़ें हैं, जैसे हमें पता है कि कुकरबिट्स में कौन सा कंटेंट पाया जाता है, अगर मैं टॉक्सिक कंटेंट की बात करूँ कुकरबिट्स के अंदर, टॉक्सिक कंटेंट कौन सा होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब जहरीला पदार्थ, अगर जहरीला पदार्थ की बात करें कौन सा होता है, और जो बिटरनेस है वो किसकी वजह से आती है? बिटरनेस मतलब कड़वाहटपन, कड़वाहट, जो कड़वाहट है वो किसकी वजह से आती है कुकरबिट्स में? तो टॉक्सिक कंटेंट जो आता है वो सेरेटोनिन, सेरेटोनिन, सेरेटोनिन की वजह से जो क्या आता है इसमें, जहरीला कंटेंट जो आता है वो सेरेटोनिन की वजह से आता है, याद रखना, इसमें जहरीला जो आता है वो सेरेटोनिन की वजह से आता है, और कड़वाहट आपको पता है किसकी वजह से? कुकरबिटेसिन, ठीक है, कुकरबिटेसिन की वजह से इसमें कड़वाहटपन आता है। एक स्पेशल इसमें याद रखना कौन सा, बिटर गार्ड, बिटर, बिटर गार्ड, ठीक है, बिटर गार्ड जिसको हम करेला बोलते हैं,
जिसको हम करेला बोलते हैं, इसमें जो बिटरनेस आती है बच्चा, इसमें जो बिटरनेस आती है कड़वाहट पनाती है वो किसकी वजह से आती है? ममोरडाइसिन, ठीक है, इसकी वजह से आती है ममोरडिकासिन। इसका नाम ही क्या है? ममोरडिका करेंटिया इसका नाम है। ममोरडिकासिन की वजह से इसमें कड़वाहट आती है बिटरनेस की वजह से, ठीक है। अब बाकी सारी वेजिटेबल में किसकी वजह से आती है? कुकरबिटेसिन की वजह से आती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है बच्चा लोग, जो हमारा कौन सा गार्ड है, जो बिटर गार्ड है ना, इसका याद रखना, बिटर गार्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ठीक है। जो बिटर गार्ड है, GOUR, बिटर गार्ड है करेला जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो कड़वाहट पनाती है ममोरडिकासिन, ममोरडाइसिन बोल सकते हो, उसकी वजह से इसमें कड़वाहट आती है। और कड़वाहट का कारण क्या है? क्योंकि दो आप मैं बोल दूँ, एक जो है हमारा कुकुम्बर, एक है कुकुम्बर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खीरा, ठीक, और दूसरा अपना बिटर गार्ड, करेला। इन दोनों में जो ये बिटरनेस पाई जाती है उसका रीज़न करेला, कुकुम्बर आपने देखा होगा, कुकुम्बर को जब भी काटते हैं, काटने के बाद हल्का सा नमक लगा के इसको ऐसे घिस के और फिर खाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा खीरा उसमें बिल्कुल कड़वा निकल जाता है, जिसको हम फेंक देते हैं, खा नहीं पाते हैं। तो इसमें जो कड़वाहट आती कुकरनेस बिटरनेस में, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है मेटाजीनिया, ठीक है, मेटाजीनिया इसका मेन कारण है, मेटाजीनिया मतलब होगा क्या? यहाँ पर मेटाजीनिया का मतलब समझना कि जो पोलन है, बीटर पोलननेस, ठीक है, मान लो कोई बीटर पोलन ग्रेन इतना तो समझ जाओगे, पोलन ग्रेन मतलब पराग कण, कौन से? कड़वे, बीटर मतलब कड़वे पराग कण। जब ये है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जब पोलिनेशन होता है तो जो बीटर पोलन ग्रेन होते हैं वो आ जाते हैं किसके ऊपर? वो आते हैं नॉन बीटर, किसके अंदर? ओवरी पे, नॉन बीटर ओवरी, ठीक है, इसके ऊपर आएंगे। मतलब मान लो ये हमारा क्या है, एंथर है, ठीक है, और ये क्या है, स्टिग्मा है, ठीक, एक फ्लावर है, ठीक, समझना ऐसे ही। अब क्या होगा, मान लो यहाँ से जो एंथर आए हैं, ये एंथर इस पे आएंगे स्टिग्मा पे और यहाँ पर जाएंगे ओवरी में, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। मान लो ये एंथर क्या थे? बीटर पोलन ग्रेन थे, और ये ओवरी जो है नॉन बीटर थी, ठीक है। यहाँ पर जब इनका फर्टिलाइजर होगा तो जो नया ग्रेन बनेगा वो क्या होगा? वो बीटर होगा। नया जो फूड बनेगा वो बीटर होगा, कड़वा होगा, और इसी फिनोमिना को बोला जाता है मेटाजीनिया। तो जई कई बार हमें कुकुम्बर और जो बिटरनेस, बिटर गार्ड तो ऑलरेडी कड़वा होता ही है, बट कुकुम्बर आपने देखा होगा जनरली मीठा लगता है, जो नॉर्मल टेस्ट उसका होता है, बट कई बार जो है कुकुम्बर हमें कड़वा लगता है। वो कड़वा लगने का कारण क्या है कि वहाँ पर क्या हुआ, वो जो प्लांट बना है कुकरबिट्स का, उसमें क्या हुआ कि जो बिटर पोलन ग्रेन थे उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से जो नया फ्रूट बना है उसमें बिटरनेस आ जाएगी, उसी को बोलते हैं मेटाजीनिया। समझ के बाद, ये कुकुम्बर और बिटर गार्ड्स, इन दोनों में ये मेटाजीनिया वाली फिनोमिना पाई जाती है, ये याद रखना। बिटर गार्ड्स में, और मैं बता दूं, इसमें आपको विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलेगा, और आयरन इसमें रिसोर्स होता है, कौन सा? अपना कुकरबिट्स, ठीक है। चलिए आगे मैं और बात करूंगा इसके बारे में। अब एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं इन सब के क्रोमोसोम नंबर और इन सबको याद करने की। तो यहां पर आप लिखोगे एक लाइन, खीरा, ऐसा लिख देता हूँ नीचे, है ना, खीरा के तिलक पर खरबूज नसदार और चिकना कद्दू आया। बस एक लाइन याद रख लेना, ताकि इसमें आपको क्रोमोसोम नंबर सीक्वेंस याद हो जाए, और कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। देखो, खीरा के तिलक पर खरबूज नसदार और चिकना कद्दू आया। खरबूज आप देखोगे, खरबूज में ऊपर हाथ लगाओगे थोड़ा सा खुरदुरा आपको दिखेगा, इसलिए मैंने लिखो खरबूज नसदार, मतलब उस पर आपको वेंस दिखेगी खरबूज के ऊपर, बाहरी सरफेस पर,
ठीक है, और जो कद्दू है वो बिल्कुल क्या होता है ऊपर से चिकना ही आपको मिलेगा। तो खीरा के तिलक पर खरबूज नजदार और चिकना कद्दू आया। अब यहाँ पर ये जो है इसको छोड़ देना, ठीक है, ये आपके रहेंगे क्या एक्सेप्शन, क्या ये और आया, बाकी सबसे बनेगा। अब मैं क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ, देखो खीरा के जो क्रोमोसोम नंबर है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रोमोसोम नंबर बता देता हूँ। खीरा के क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखना है 14, ठीक है। तिलक से तीन बनेंगे खीरा। अब पहले तो इनका ठीक है ऐसे निकाल लो, खीरा से आपका हो जाएगा कुकुम्बर, ठीक है, तिलक से आपका निकलेगा यहाँ से तरबूज, क्या निकलेगा तरबूज, जिसको हम वाटर मेलन बोलेंगे। ल से निकलेगा आपका लौकी, जिसको हम क्या बोलेंगे बोटल गार्ड, और क से आपका निकलेगा करेला, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बीटर गार्ड, ठीक। प से आपका निकलेगा परवल, परवल। खरबूज से आपका खरबूज हो गया, जिसको हम मस्क मेलन बोलेंगे, मस्क मेलोन। नसदार से आ जाएगा आपका रीच गार्ड, क्या आ जाएगा रीच गार्ड, ठीक है। चिकना से आ जाएगा आपका स्पॉन्ज गार्ड, चिकनी तरोई, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज गार्ड मतलब चिकनी तरोई, हिंदी में इसको बोलते हैं नसदार तरोई, चिकनी तरोई। और कद्दू से आपका आ जाएगा पम्पकिन, पम्पकिन कद्दू, ठीक है, ये इसके सारे नाम हो गए। हिंदी से आप याद रख सकते हो चिकना मतलब इसको चिकनी तरोई बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, चिकनी तरोई। और नसदार को इसको नसदार तरोई बोलते हैं, नसदार तरोई, ठीक। हमारे इधर मालवा में इस चिकनी तरोई को गिलकी बोला जाता है और नसदार को क्या बोलते हैं तरोया। तो खीरा के तिलक पर खरबूज नसदार और चिकना कद्दू आया। तो कुकुम्बर का आप क्रोमोसोम नंबर जाओगे तो क्रोमोसोम नंबर इसका होता है 14, तरबूज का होता है 22 मतलब वाटरमेलन, लौकी का 22, करेले का 22, ठीक, करेले का 22 आपका, परवल जिसको पॉइंटेड गार्ड बोलते हैं, ठीक है, किसी को नहीं पता है परवल हिंदी तो ये होता है अपना पॉइंटेड, पॉइंटेड गार्ड, ठीक है, पॉइंटेड गार्ड इसको बोलते हैं। फिर आपका स्पॉन्ज गार्ड, ये खरबूज, खरबूज का कितना होगा आपका 24, नसदार तरोई रीच गार्ड का आपका 24, चिकना स्पॉन्ज गार्ड का इसका भी होगा 24 और कद्दू का हो जाएगा 40। तो इस सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो कि खीरा के तिलक पर खरबूज नसदार और चिकना कद्दू आया 14, 22, 22, 22, 24, 24 और 40 सीक्वेंस में, ठीक है। खीरा के 14, तिलक में तीनों 22 है, पर भी 22 है, तिलक पर पूरा 22 है, खरबूज अपना 24 आ जाएगा, नसदार 24 आ जाएगा, ये स्पॉन्ज गार्ड 24 आ जाएगा और लास्ट में पम्पकिन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है बच्चों, इसका ओरिजिन प्लेस है मेक्सिको, याद रख लेना, ठीक। स्पॉन्ज गार्ड रिच गार्ड, चलो उसको मैं अलग से बताता हूँ। तो खीरा के तिलक पर खरबूज नसदार और चिकना कद्दू आया, इससे आप क्रोमोसोम नंबर याद रख सकते हो सबके, क्लियर। दूसरी चीज मैं बात कर देता हूँ इनके, अब एक टेबल बना के ही इसको याद कर लेना। सबसे पहले हमारा क्या है खीरा, खीरा के तिलक पर, तो खीरा से आपका बनेगा कुकुम्बर, ठीक है, कुकुम्बर। कुकुम्बर का जो आप साइंटिफिक नेम लेने जाओगे तो क्या हो जाएगा कुकुमिस सटाइवस, कुकुमिस सटाइवस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्रोमोसोम नंबर बता चुका हूँ 14 होता है इसका। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ओरिजिन प्लेस क्या आ जाएगा इसका, इंडिया, ओरिजिन प्लेस क्या है इंडिया, क्रोमोसोम नंबर क्या है 14, ठीक। मैं सारा याद करता हूँ, एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, बेसिक सारी चीज़ें। खीरा के छोड़ देना, तिलक पर, तिलक में यहाँ आ जाएगा आपका तरबूज, तरबूज मतलब यहाँ हो जाएगा आपका वाटरमेलन, क्या बोलते हैं इसको वाटरमेलन, ठीक है, क्या आ जाएगा सिट्रुलस लेनाटस, साइंटिफिक नेम सिट्रुलस लेनाटस हो जाएगा, ठीक। ओरिजिन इसका ट्रॉपिकल अफ्रीका आपका आ जाएगा, ठीक, क्रोमोसोम नंबर 22, उससे याद रख सकते हो ट्रिक से। खीरा के तिलक, तिलक से आ जाएगा यहाँ पर लौकी, लौकी आपका क्या आ जाएगा, लौकी को हम बोलते हैं क्या बोटल गार्ड, बोटल गार्ड इसको बोलते हैं, नाम क्या है इसका लेजिनेरिया, लेजिनेरेरिया, ठीक है, बोटल गार्ड का नाम क्या हो जाएगा लेजिनेरिया साइसेरिया, लेजिनेरिया साइसेरिया इसका नाम आ जाएगा बोटल गेट का, क्या नाम है यार,
लेजिनेरिया साइसेरिया, स्पेलिंग देख लेना एक बार, साइसेरेरिया साइसेरेरिया है, लेजिनेरिया साइसेरेरिया, ठीक है। ये कहाँ का है, तो ये साउथ अफ्रीका, और इसके क्रोमोसोम नंबर भी 22। चलिए, खीरा के तिलक पर, तिलक क से आ जाएगा आपका करेला, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटर गार्ड, बीटर गार्ड, ठीक है। इसका नाम क्या आ जाएगा, मोमोर्डिका, मोमोर्डिका चरेंटिया या करेंटिया, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। ये कहाँ का है, तो भैया जितने भी कड़वे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, बेकार लगते हैं, वो सब इंडिया के ही हैं। इंडिया बोलो या इंडो बर्मा, ठीक है, इंडिया या इंडो बर्मा, जो भी आ जाए, इंडिया ही लगाना जनरली, तो इंडो बर्मा। इसके क्रोमोसोम नंबर भी कितने, 22, ठीक। खीरा के तिलक पर, पर से आ जाएगा आपका परवल, परवल को बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड, पॉइंटेड गार्ड। नाम क्या है इसका, ट्राइकोसेंथस डियाको, ट्राइकोसेंथस डियाका नाम है इसका। और ये भी कहाँ का है, परवल भी आपका इंडिया का ही है, और इसके क्रोमोसोम नंबर भी कितने हैं, 22, क्लियर है। खीरा के तिलक पर खरबूज, खरबूज मतलब यहाँ आ जाएगा आपका मस्क मेलोन, मस्क मेलोन, ठीक है। नाम क्या है उसका, कुकुमिस मेलो, साइंटिफिक नेम है। ये भी कहाँ का है, ये भी ट्रॉपिकल अफ्रीका का है, ट्रॉपिकल अफ्रीका। क्रोमोसोम नंबर इसके हो जाएंगे 24, ठीक। खीरा के तिलक पर खरबूज नसदार, मतलब यह आ जाएगी आपकी नसदार तरोई, नसदार तरोई, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिज गार्ड बोलते हैं, रिज गार्ड, ठीक है, रिज गार्ड। नाम क्या उसका हो जाएगा, लूफा, एक्टेंगुला, ठीक है, ल्यूफा एक्टेंगुला नाम है इसका। और ये है एशिया, कहाँ का है, एशिया का। इसके भी 24 होते हैं। उसके बाद आ जाएगा रिजगार्ड के बाद, नसदार तरोई के बाद आ जाएगा आपका चिकनी तरोई, चिकनी तरोई, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज गार्ड, ठीक है, स्पॉन्ज गार्ड बोल देते हैं। नाम क्या है इसका, इसका आ जाएगा ल्यूफा सिलेंड्रिका, ल्यूफा सिलेंड्रिका, ठीक है। ये भी कहाँ का है, ओरिजिन इसका एशिया है। क्रोमोसोम नंबर इसमें भी कितने हैं, 24, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इसके भी कितने हैं, सॉरी इसके सही कर लेना, इसके 26 है बच्चा, इसके भी 26 है, और यहाँ भी सुधार लेना यार, यहाँ भी सुधार लेना, और इसके भी सुधार लेना, 26 है इनके, 24 किसके हैं, खरबूज के 24 है, फिर इसके आ जाएंगे आपके 26, और इसके भी आ जाएंगे 26। कैसे याद रखोगे, 14, 22, 22, 22, फिर 24, 26, 26 और 40। नसदार तोरे, रिज गार्ड और स्पंज गार्ड दोनों के 26 26 है ना, 24 नहीं है, मैं करेक्ट करवा रहा हूँ। खीरा के 14, तिलक पर, तिलक पर मतलब तरबूज, लौकी और करेला के 22, परवल के 22, खरबूज के 24, फिर नसदार तोरे, चिकनी तोरे के 26 26 और कद्दू के बजाय पम्पकिन के 40, ठीक है। करेक्ट कर लेना, कितने हैं इसके, 26 हैं, कितने हैं, 26 है किसके, नसदार तुरोई के कितने हैं, 26 आएंगे इनके, है ना। और इसके भी कितने हैं, चिकनी तुरोई के 26, ठीक है। शुरू में मैंने सुधार करवा दिया है। अब इसके बाद आता है आपका कद्दू, ठीक है, कद्दू, जिसको हम क्या बोलते हैं, पम्पकिन, पम्पकिन। नाम क्या है उसका, कुकुरबिटा, कुकुरबिटा मोस्काटा, ठीक है, कुकुरबिटा मोस्काटा नाम है। और ये कहाँ का है, मेक्सिको का है, और क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 40, ठीक है। रिज गार्ड और स्पंज गार्ड का सुधार लेना, 26 है क्रोमोसोम नंबर। ये तो मैंने बता दिया आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये क्या क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें, ओरिजन इनका, प्लेस वगैरह सारा। और ये ट्रिक याद रखना, खीरा के तिलक पर खरबूज नसदार और चिकना कद्दू आया, तो 14, 22, 22, 24, 26, 26 और 40, इस तरीके से याद रखना है। अब मैं आपको इनकी सीड रेट याद करवा देता हूँ एक साथ, सीड रेट, बीज दर, इनकी बीज दर आप याद कर लीजिए। बीज दर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, बीज दर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसका, 3 से लेके 3.5,
एक आएगा इसके लेस देन और इससे आएगा ग्रेटर देन, ठीक है, इससे कम वाली, यहाँ आ जाएगी लेस वाली, इससे लेस देन वाली और इससे ग्रेटर देन वाली, ठीक है, ग्रेटर देन वाली, मतलब तीन 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 और साढ़े तीन से कम वाली एक तरफ और तीन साढ़े तीन से ज़्यादा वाली एक तरफ आपको यहाँ पर करना है, तीन तीन साढ़े तीन से कम वाली एक तरफ और तीन साढ़े तीन से एक वाली, ठीक है। तो यहाँ पर तीन से कम वाली जो है, तीन साढ़े तीन से कम वाली, यहाँ पर आप याद रखो खीरा खरबूज चिकना कद्दू, खीरा खरबूज चिकना कद्दू ये याद रखो, ठीक है, खीरा खरबूज चिकना कद्दू, तो यहाँ आपका आ जाएगा कुकुम्बर, ये आ जाएगा आपका मस्क मेलन, ये आ जाएगा आपका रिज गार्ड सॉरी स्पॉन्ज गार्ड, और ये आ जाएगा पम्पकिन, ठीक है। अभी बताता हूँ आपका क्या है इनका मामला, दूसरी तरफ आप लिखोगे क्या, तरबूज लौकी करेला नसदार, ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हो नसदार तिलक, इसकी ट्रिक क्या है, नसदार तिलक से आप याद रख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटरमेलन, ये आ जाएगा आपका बोटल गार्ड, ये आपका आ जाएगा बीटर गार्ड, ये आपका आ जाएगा नजदार का, तो ये आ जाएगा आपका रीच गार्ड, ठीक है। अब इनकी सीड रेट याद रखना बहुत आसान है आपका, साढ़े तीन से, अब याद रखना ये जो इधर वाली है ना ये सब तीन साढ़े तीन से कम है और ये सारी तीन साढ़े तीन से ज़्यादा है। देखो कुकुम्बर की सीड रेट जो आपको मिलेगी 2.5 kg पर हेक्टेयर, ठीक, इसकी आपको मिलेगी लगभग 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर के समथिंग। पम्पकिन की आपको मिलेगी लगभग 1 से 1.5 kg, 1 से लेके 1.5 kg पर हेक्टेयर, और आपका स्पॉन्ज गार्ड है 2.5 से 3.5 kg, स्पॉन्ज गार्ड की आपको मिलेगी 2.5 से 3.5 kg पर हेक्टेयर। तो तीन से कम वाली याद रख लेना कि तीन साढ़े तीन से कम वाली कौन सी है, खीरा खरबूज चिकना कद्दू, ये सारे तीन साढ़े तीन से कम है, खीरा खरबूज चिकना कद्दू तीन साढ़े तीन से कम है, और आपका जो है नजदार तिलक ये तीन साढ़े तीन से ज़्यादा है, नजदार तिलक तीन साढ़े तीन से ज़्यादा है। देखो तीन साढ़े तीन से ज़्यादा का मतलब आपका चले जाओ वाटरमेलन, चले जाओ वाटरमेलन की जो सीड रेट आपको मिलेगी ये मिलेगी 3 से 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, कितनी 3 से 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। लौकी की आपको मिल जाएगी 4 से 6 kg पर हेक्टेयर के समथिंग, ठीक, 3 से 6 या 4 से 6 लिख सकते हो, है ना, 3 से 6 या 4 से 6 की बात है। फिर आपको करेला और रिज गार्ड, तो करेला की आपको मिल जाएगी 4 से 6 kg पर हेक्टेयर, 4 से 6 kg, और इसकी मिल जाएगी 3.5 से 5 kg पर हेक्टेयर। तो तीन साढ़े तीन से ज़्यादा वाली बात आ जाए तो नजदार तिलक, और तीन साढ़े तीन से कम वाली अगर याद रखोगे तो खीरा खरबूज चिकना कद्दू, ये आप सीड रेट इस तरीके से याद कर सकते हो। कितनी इतनी बात क्लियर है, है ना, एक साथ आप सीड रेट में कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में वो देख लेना आप, जैसे वाटरमेलन की बात कर लेते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर लेता हूँ मैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता है, वानस्पतिक प्रवर्धन किसके अंदर होता है, वानस्पतिक प्रवर्धन जो होता है वो आपको याद रखना है वो किस में होता है, पॉइंटेड में, पॉइंटेड जो गार्ड है आपका जिसको हम बोलते हैं परवल, इसमें होता है वानस्पतिक प्रवर्धन, और लगभग 2000 से लेके 2500 इसमें क्या चाहिए, वाइन्स पर हेक्टेयर, इतनी वाइन्स चाहिए, इसमें वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, सीड से नहीं बोया जाता इसको, ठीक है। इसके साथ और है ईवी गार्ड, इसके अंदर भी वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, और चोचो इसमें के अंदर भी वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पॉइंटेड गार्ड डायोसियस होता है, ये भी याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डायोसियस होता है, द्विलिंगी बोल सकते हो,
डायोसियस मतलब है ना, डायोसियस इसका प्लांट होता है किसका, इसका अपना परवल का, ठीक है, एक लिंगी इसको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक डायोसियस मतलब एक लिंगी। अब डायोसियस मतलब इंग्लिश में हिंदी निकालने जाओगे ना तो आप दो बोल दोगे। डायोसियस क्यों बोला जाता है इसको, एक लिंगी का मतलब समझ रहे हो कि जो मेल और फीमेल फ्लावर है, ठीक है, डायोसियस मतलब एक लिंगी पादप, एक लिंगी मतलब एक ही के अंदर, ये आपको मान लो ये फ्लावर है तो इसी के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे, मतलब दो लिंग एक ही फ्लावर के अंदर, इसलिए इसको डायोसियस और या हिंदी में एक लिंगी बोला जाता है, ठीक, एक ही फ्लावर के अंदर आपको मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे, एक सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है यार, यहाँ वो मोनोसियस होता है, ठीक है, वो मोनोसियस होता है। डायोसियस मतलब एक लिंगी, केवल एक ही लिंग मिलेगा आपको, ठीक है, एक ही लिंग होगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ या तो मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगा, मान लो इसमें मेल है तो इसमें फीमेल है, दो अलग अलग प्लांट पर। डायोसियस मतलब कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पर मिलेंगे, इसलिए डायोसिस बोला जाता है। एक लिंगी मतलब एक फ्लावर, एक प्लांट पर एक ही लिंग आपको मिलने देखने को मिलेगा, ये है, मैं इसको समझा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, मोनोसियस और डायोसियस, इसको बोलते हैं द्विलिंगी, है ना, हिंदी में इसको द्विलिंगी बोलते हैं जबकि नाम मोनोसियस है, और इसको बोला जाता है एक लिंगी हिंदी में, जबकि वो क्या है, डायोसियस है। अब वो किस बेसिस पे बोला जाता है, यहाँ मोनोसियस मतलब यहाँ पर बोला जाता है एक ही प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट पर आपको क्या मिल जाएंगे, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मिल जाएंगे, ये मेल फ्लावर भी है और यहाँ मान लो आपको जैसे यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर भी मिल जाएगा, या एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर आपको मेल और फीमेल मिल जाएगा, ठीक, ये मोनोसियस कंडीशन। जैसे मक्के के अंदर होता है ना, मक्का भी मोनोसियस है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर होता है, टेसल और सिल्क, तो उसको मोनोसियस बोलते हैं, मतलब दो लिंग एक ही प्लांट पर दोनों लिंग मिल जाएंगे आपको मेल और फीमेल। डायोसियस का मतलब है कि यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर मान लो आपको मिला ये मेल तो यहाँ पर आपको मिलेगा फीमेल, तो अलग अलग प्लांट्स पर मेल और फीमेल, लिंग जो है वो अलग अलग प्लांट है, उस सेंस में डायोसियस, या फिर आप एक लिंगी हिंदी में याद रखो ज़्यादा अच्छा, एक प्लांट पर एक ही लिंग मिलेगा आपको, और इसीलिए जो है ये जो हमारा परवल है डायोसियस प्लांट, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, 10% मेल, 10% मेल प्लांट चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल का जो रेशियो है इसके अंदर, मेल फीमेल का जो रेशियो, फीमेल और मेल का जो रेशियो है इसके अंदर 10:1 रखा जाता है, मतलब 100 प्लांट लोगे तो 10 प्लांट आपको मेल के भी चाहिएंगे, क्यों, क्योंकि ये डायोसियस होता है, डायोसियस मतलब एक प्लांट पर एक ही लिंग होता है। अब पोल्यूशन करवाने के लिए हमें तो मेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बता रहा हूँ, डायोसियस एक लिंगी मतलब एक प्लांट पर एक ही मिलेगा, या तो मेल या तो फीमेल। मोनोसियस का क्या मतलब है, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट पर दोनों मिल जाएगा, मतलब द्विलिंगी, हिंदी में याद रखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन इसमें होगा। तो जब हमारे पास एक ही क्या है, यहाँ पर मान लो हमारे पास सिर्फ फीमेल है, ठीक है, परवल के जो प्लांट है, परवल जो है हमारा जो वेजिटेबल है उसमें मान लो फीमेल ही है, तो फिर पोलिनेशन कैसे होगा, फ्लावरिंग कैसे होगी, फ्रूट कैसे बनेगा, तो वहाँ पर 10% जो क्या रखते हैं हम, मेल प्लांट भी रखते हैं ताकि पोलिनेशन हो जाए, ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी इनके बारे में। अब जैसे कुछ पॉइंट है अलग से वो देख लो, वाटरमेलन तरबूज, ठीक है, अब तरबूज की बात करें तो आपको ये पता है इसमें जो है हाईएस्ट वाटर कंटेंट होता है कितना, लगभग 92 से लेके 95% इसमें क्या होता है, वाटर, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसमें जर्मिनेशन के समय टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, तापमान की अगर मैं बात करूँ तो जर्मिनेशन के समय इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, जर्मिनेशन के समय इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के समय, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के समय कितना चाहिए, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिला है मुझे, पर ये देखो ये इसमें लगभग चाहिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के समय, और ग्रोथ के समय टेम्परेचर लगभग चाहिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें चाहिए, ठीक है, ये जर्मिनेशन के टाइम और ग्रोथ और डेवलपमेंट के साइन, ठीक है। जनरली वेजिटेबल्स आप देखोगे, जो फ्रूट वाली वेजिटेबल है, जो समर वेजिटेबल्स है, उसमें टेम्परेचर लगभग 24 से 27 डिग्री चाहिए डेवलपमेंट के समय, ऑप्टिमम टेम्परेचर आप बोल सकते हो, क्लियर है। इसका जो TSS होता है, पॉइंट नंबर 3, TSS क्या होता है, TSS होता है टोटल सोल्यूबल सॉल्ट,
जिसको हम रिफ्रेक्टोमीटर से मेजर करते हैं, और इसमें भी अलग अलग चीज़ें, वो होता है लगभग आप देख सकते हो 8 से लेकर 13% तक इसमें TSS पाया जाता है। ठीक है, TSS इसमें लगभग कितना, 8 से लेकर 13% तक TSS आपको मिल जाएगा। अब इसमें जो पीला रंग और आपको लाल रंग दिखता है वो किस कारण से दिखता है, पिगमेंट इसमें कौन कौन से होते हैं बच्चा, इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं एंथोसाइनिन, एक तो होता है एंथोसाइनिन साइनिन और एक होता है लाइकोपिन लाइकोपिन, ये दोनों कंटेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपको पीला कलर, या पीला कलर तो कैरोटीन की वजह से होता है, जो लाल रंग आपको दिखाई देता है या जो जो कलर्स के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो एंथोसाइनिन और जो है क्या होता है लाइकोपिन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें सोइंग इसकी, लगभग आपको करते हैं टाइम की बात करते हैं सोइंग टाइम की, सोइंग टाइम तरबूज की, तो वो लगभग होता है आपका फरवरी से मार्च, जनरली नॉर्थ इंडिया में फरवरी से मार्च इसमें सोइंग हम कर देते हैं। इसकी अब क्या कहते हैं, दियारा खेती भी करते हैं, क्या करते हैं, दियारा फार्मिंग, किसकी, इनकी। दियारा फार्मिंग का मतलब होता है नदी के किनारे खेती करना। ठीक है, नदी किनारे, नदी किनारे खेती करना, ये तो दियारा फार्मिंग, नदी किनारे। ठीक है, रिवर बेड के आसपास, रिवर बेड के आसपास खेती करना। और वहाँ पर इसकी शोइंग कब करते हैं, वहाँ पर इसकी शोइंग कब करते हैं दियारा फार्मिंग के लिए, तो वो करते हैं दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी के आसपास जो है दियारा फार्मिंग करते हैं। ठीक है, इसकी इसकी भी करते हैं, और भी वेजिटेबल जो है बहुत सारी वेजिटेबल की करते हैं। आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते होंगे ट्रेन वगैरह में बैठ के, तो जहाँ बड़ी नदी होती है या जो नाला होता है उसके आसपास के खेतों में सब्जियाँ लगी हुई मिलती है, आसपास के जो बेड्स होते हैं किनारे होते हैं वहाँ पर सब्जियाँ लगी हुई मिलती है आपको। ठीक है, तो ये सोइंग जो इसकी दिसंबर जनवरी अगर दियारा फार्मिंग कर रहे हैं, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछी जाती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैच्योरिटी इंडाइसेस, मैच्योरिटी इंडाइसेस, परिपक्वता सूचक, सूचकांक है ना, परिपक्वता सूचकांक, परिपक्वता सूचकांक की बात करते हैं। कैसे पता चलेगा कि तरबूज जो है वो पक चुका है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा तरबूज पक चुका है, तो इसमें दो तरह के साउंड हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है मेटालिक, मेटालिक साउंड मतलब धातुई आवाज, धातुई ध्वनि है ना, जब हम किसी धातु, जैसे आप घर में तपेला पड़ा है या पीतल पड़ा है उसको ठोकोगे टक टक की आवाज आती है ना, वो मेटालिक साउंड है। ठीक, और दूसरा इसमें आप साउंड मिलेगा आपको डल साउंड, डल साउंड, बिल्कुल डल ध्वनि आपको सुनाई देगी, एकदम भारी भारी सी हैवी डल साउंड आपको सुनाई देगा। तो डल मेटालिक साउंड है, इसका मतलब यह है कि वो क्या है, इमेच्योर है, इमेच्योर मतलब अपरिपक्व है, अपरिपक्व है, पका नहीं है। और अगर डल साउंड आ रहा है मतलब कि वो मैच्योर हो गया है, आप इसकी तुड़ाई कर सकते हो, मैच्योर हो गया है मतलब क्या कर सकते हो, वो परिपक्व हो गया है। ठीक है, उसकी तुड़ाई कर सकते हो। ये मेटालिक इंडाइसिस है, मैच्योरिटी इंडाइसिस, इसे हम पता कर सकते हैं। स्टोरेज अगर आपको करना है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोरेज करना पड़ेगा, तो लगभग 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसमें आ जाओ वेराइटी पर, ठीक है, वेराइटी, वेराइटीज़ किस में की बात करें, तो इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है आपका पूसा बेदाना, पूसा बेदाना मतलब जिसमें दाने नहीं मिलेंगे आपको, सीड नहीं मिलेंगे। ठीक, अब ये पूसा बेदाना है, ये कौन से किसका, टेट्रा 2 × पूसा रसल, पूसा रसल इसका क्रास है ये पूसा बेदाना। ठीक है, पूसा सीडलेस या पूसा बेदाना, हिंदी में भी बेदाना ही लिखेंगे, इंग्लिश में बेदाना ही लिखेंगे, तो टेट्रा 2 और पूसा रसल का ये क्रॉस है। मैंने बताया वाटरमेलन में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 23, ठीक, 22 होते हैं। अब पूसा बेदाना ये टेट्रा से बना है, टेट्रा से बना है मतलब ये हो गया 4x, और पूसा रसल ये क्या है, 2x। ठीक, ये सीडलेस कैसे बनाया गया है, सीडलेस कैसे बनाए बताओ ना, जैसे हम बोलते हैं बनाना सीडलेस क्यों है, क्योंकि उसमें ट्रिप्लोइडी नेचर पाया जाता है भैया। ये जो है ये डिप्लोइड है, ये डिप्लोइड है, द्विगुणित है, ये जो है इसमें बीज नहीं है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है इसको क्रॉस, इसको क्रॉस करा है, ये टेट्राप्लोइड है, चतुष्गुणित है, ये पूसा डिप्लोइड है। अब इसमें से क्या आएगा, एक इधर से आएगा 2x
और इधर से आएगा x, तो क्या बनेगा यहाँ पर भाई, इधर से आएगा 2x, इधर से आएगा x, तो यहाँ बनेगा 3x, 3x बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्रिप्लोइड, ये क्या हो गया ट्रिप्लोइड, त्रिगुणित, और ट्रिप्लोइड वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोइडिक नेचर मतलब कि वो उसमें बीज नहीं रहेंगे, सीडलोइड नेचर का वो हमें मिल जाएगा। तो इसका अगर आपसे क्रोमोसोम नंबर पूछ ले कि पूसा बेदाना का क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, तो 33, क्योंकि 2n बराबर 22 है, तो x बराबर कितने होंगे 11, तो x गुणित 3, तो x गुणित 11 बराबर कितने हो जाएंगे 33। ये मैंने आपको उधर भी पढ़ाया था, शायद जब मस्टर्ड वगैरह पढ़ाया था ना क्रॉप में, वहाँ बताया था कि कैसे ट्रिप्लोइड वगैरह होता है, और प्लांट ब्रीडिंग में और पढ़ाऊंगा। तो पूसा बेदाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। दूसरा आप मैं बोल दूं, जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, दुर्गा, दुर्गापुर मिल जाए, दुर्गापुर जितने भी मिल जाए आपको, वो सारा किसकी वैरायटी है, तरबूज की। जैसे दुर्गापुर केसर, ठीक, फिर आ जाएगा आपका दुर्गापुर लाल, ठीक, और देखो दुर्गापुर मीठा, ये जितने भी जिसमें भी दुर्गापुर मिल जाए वो आपकी किसकी वैरायटी है, इसकी। एक बस अलग याद रखना, एक और मिलेगा आपको दुर्गापुर मधु, तो जिसमें भी मधु मिल जाए वो किसकी है, खरबूज की है, खरबूज की, ये ध्यान रखना। बाकी जितने भी दुर्गापुर मिल जाए आपको, दुर्गापुर यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना, मधु वाला, चाहे दुर्गापुर या कुछ भी हो खरबूज है, लेकिन दुर्गापुर, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर, दुर्गापुर लाल, ये सारी किसकी है, तरबूज की है। एक और वैरायटी है शुगर बेबी, शुगर बेबी ये सबसे मीठी है, सबसे मीठी है, इसमें जो TSS पाया जाता है वो लगभग 11-13% तक पाया जाता है शुगर बेबी में, ठीक है। और भी वैरायटीज याद कर लेना, बहुत सारी है। फिर इसमें जो है मेन इश्यू आता है वो आता है बड नेक्रोसिस का, किसका आता है, बड नेक्रोसिस, जो किसकी वजह से फैलता है, एफिड की वजह से। ये कौन सी डिजीज है, वायरल डिजीज है, ऐसा आप बोल सकते हो, ये वायरल डिजीज है, और किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है, एफिड की वजह से। बट नेक्रोसिस वाटरमेलन की मेन प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा समस्या आती है तरबूज के अंदर, तो वो इसी की आती है, बट नेक्रोसिस की, जो एफिड की वजह से फैलता है, और ये वायरल डिजीज है, ठीक है। बाकी और डिजीज मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, इसकी कहानी। चलो अब बात करते हैं मस्कमेलन की, मस्कमेलन इसको हम बोलते हैं खरबूज, इसको होलसम फ्रूट बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, होलसम फ्रूट, ठीक है, इसको होलसम फ्रूट बोला जाता है। चलो पॉइंटेड गार के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, पॉइंटेड गराट को मैं फिर से लेके आ रहा हूं थोड़ा सा, ये आपका ये जो पॉइंटेड गराट है इसको बोलता है किंग ऑफ गॉड, याद रखना, किंग ऑफ गॉड, गॉड जो कुकरबिटेसी फैमिली का जो राजा है ना, वो यही है पॉइंटेड गार्ड, जो गार्ड है मतलब कि जो जितनी बोटल गार्ड है, बिटर गार्ड से, स्पॉन्ज गार्ड है, रीच गार्ड है, इन सब का राजा किसको बोलते हैं, पॉइंटेड गार्ड को ही बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। परवल अलग से नहीं पढ़ाऊंगा आप, मैं सारी चीज़ें लगभग उसमें बताई थी मैंने, ठीक है। चलिए तो होलसम फ्रूट इसको बोला जाता है, है ना। हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, उच्च तापमान किस समय, मैच्योरिटी के समय, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो क्या होगा, इंक्रीज द स्वीटनेस, जो मीठापन है वो बढ़ जाता है, मीठापन बढ़ जाता है। अगर आपने खरबूज के अंदर, खरबूज जो है मैच्योरिटी के समय, पकते समय अगर इसको तापमान ज़्यादा मिल जाता है तो इसमें मीठापन बढ़ जाता है, याद रखना, मीठापन बढ़ जाता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर, वो चाहिए लगभग 24-27 डिग्री सेल्सियस, तापमान इसमें भी चाहिए रहता है, सूटेबल टेम्परेचर। इसमें मेनली जो है पूछा जाएगा आपको क्या, वो है इसकी मैच्योरिटी इंडाइसेस, मैच्योरिटी इंडाइसेस, परिपक्वता सूचकांक, हिंदी में बोल दिया मैंने, लिख लेना। इसमें तीन स्टेज मिलती है, एक तो मिलेगी आपको फुल, फुल सीव स्टेज, दूसरा आपको मिलेगा हाफ सीव स्टेज, और
तीसरी मिलेगी नेटिंग स्टेज, ठीक है, फुल सीव स्टेज, हाफ सीव स्टेज और नेटिंग स्टेज, तीन तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको खरबूज के अंदर, ठीक। फुल स्लीप, सीव नहीं है, स्लीप है, फुल स्लीप, हाफ स्लीप और नेटिंग स्टेज। देखो फुल सीव स्टेज ऑल वेराइटी एक्सेप्ट हरा मधु, फुल सीव स्टेज मतलब वो पूरी तरीके से पक जाए, है ना, तब इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, मतलब यहाँ बोल सकते हैं ऑल वेराइटी, किसकी, इसकी, ऑल वेराइटीज एक्सेप्ट हरा मधु, एक्सेप्ट हरा मधु, हरा मधु को छोड़कर सारी वेराइटीज जो है फुल सीव स्टेज पे आप तोड़ सकते हो, ठीक है। नेटिंग स्टेज में किसको तोड़ोगे, हरा मधु को, हरा मधु जो है ये लेट वेराइटी है और हरा ही रहता है, इसलिए इसको जब जाले बन जाते हैं बाहर की तरफ, है ना, जो ऊपर का जो कवर है उसमें जब नेटिंग बन जाती, जाल जैसा बन जाता है, तब इसको तोड़ लेते हैं। तो सारे की सारी सबको फुल सीव स्टेज पे ही तोड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ हरा मधु को छोड़कर। हरा मधु कब नेटिंग स्टेज में तोड़ते हैं, और जब हाफ सीव स्टेज पर कब तोड़ेंगे, हाफ सीव स्टेज मतलब जब हमें क्या करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन अगर करना है, ठीक है, लंबा परिवहन के लिए बेचना है, परिवहन, लंबी दूरी परिवहन पर बेचना है, भेजना है, तो आपको हाफ सीव स्टेज पर तोड़ना पड़ेगा। हाफ सीव्स का मतलब ये रहता है कि जो हमारा खरबूज होता है ना, उसमें पीछे जो ये निकला रहता है इसका डंठल, ये बिल्कुल लूज हो जाता है, मतलब इसे हाथ लगा के आप थोड़ा सा पुश करोगे ना तो ये टूट जाएगा, मतलब वो पूरी तरीके से पक गया। हाफ सीव मतलब थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़े तो उस स्टेज में आप तोड़ सकते हो, अगर लंबा आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो। और नेटिंग स्टेज में हरा मधु को तोड़ा जाता है और ये लेट वेराइटी है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, आप भंडारण 0 से 1 में कर सकते हो। और आप इसको क्या, इसको अगर हाफ सीव में तोड़ रहे हो मतलब क्या है, ये क्लाइमेट्रिक है, क्या है ये, क्लाइमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि ये पक जाएगा तोड़ने के बाद, ठीक। स्टोरेज इसका आप 0 डिग्री पर कर सकते हो, स्टोरेज लगभग 0 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस पर इसका कर सकते हो। वेराइटी की बात करूँ तो जिस भी वेराइटी में आपको क्या मिल जाए मधु, चाहे क्या हो, दुर्गापुर मधु हो, ठीक है, और मधुराज हो या रसराज हो, है ना, क्या आ जाएगा, मधुराज, रसराज, ये सारी इसकी वेराइटी है, क्लियर है। हरा मधु, पूसा मधुराज, क्या जाएगा, एक तो हरा मधु जिसमें भी पीछे आपको मधु दिख जाए, मधुराज दिख जाए, ये सब किसकी वैरायटी है, ये आपको खरबूज की वैरायटी या मस्क मेलन की वैरायटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और सारी वैरायटी नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है, वैरायटी याद आपको ही करना है। तो ये तरबूज खरबूज की बात हो गई, एक आध दो क्रॉप और देख लो जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सारी आप पढ़ लेना। चलिए कुकुम्बर ले लो, इसको हम बोलते हैं खीरा, चलिए ये जो बच्चा मैंने बता दिया, ये क्या होता है, मोनोसियस होता है, है ना, मोनोसियस होता है मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, मतलब ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है, क्या होता है, ये द्विलिंगी प्लांट है, ठीक है। इसमें मेटाजीनिया पाई जाती है, पहले बता दिया मैंने, मेटाजीनिया कंडीशंस पाई जाती है, मेटाजीनिया मतलब इसमें जो बिटरनेस आती है वो इसी की वजह से आती है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आप देख सकते हो एक पीलो डिजीज़ होती है, पीलो डिजीज़ वो किसकी वजह से होती है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से इसमें पीलो डिजीज़ हो जाती है। कुकुम्बर मोजेक वायरस भी होता है इसमें, कुकुम्बर मोजेक वायरस वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एफिड की वजह से, कुकुम्बर मोजेक वायरस इसमें एफिड की वजह से होता है, ठीक है, एफिड की वजह से इसमें क्या हो जाता है, कुकुम्बर मोजेक वायरस इसके अंदर हो जाता है, ठीक। बाकी इसकी वैरायटीज देख लो, पूसा संयोग, वैरायटी तो आपको याद करना पड़ेगी, इसमें पॉइंट सेट इसकी वैरायटी है, ठीक है, पॉइंट सेट वैरायटी है, और कौन सी है, सुप्रिया शायद इसकी वैरायटी है, है ना, बालम खीरा याद रख लेना इसकी, बालम खीरा
ये इसकी वेराइटीज़ है, बस इतना ज़्यादा कुछ इसमें और कुछ है नहीं। ठीक, फिर आ जाओ बॉटल गार्ड पर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लौकी, है ना। लौकी से क्या बनाया जाता है बच्चा, इससे बनाया जाता है कोफ्ता और पेठा, ये दोनों बनाए जाते हैं लौकी से। क्या बनाया जाता है, कोफ्ता। सब्जी खाते हो ना आप, तो एक तो इससे कोफ्ता बनाया जाता है और पेठा, पेठा भी बनाया जाता है इससे। ठीक, कोफ्ता और पेठा दोनों इससे बनाया जाता है, किससे, बोटल गार्ड से। चलिए, इसमें जो है टेम्परेचर कितना रखते हैं बच्चा, इसमें टेम्परेचर आप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही रेंज 24 से 27 डिग्री आप ले सकते हो। इसमें मैच्योरिटी कैसे पता करते हैं, इसमें मैच्योरिटी पता करते हैं नेल से, नाखून से, ऐसे दबा के देख लेते हैं नाखून से। फिर इसमें एक प्रोसेस होती है पिंचिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, पिंचिंग, इसमें पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग क्यों करते हैं इसके अंदर, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, याद रखना, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, पिंचिंग करते हैं। संकर सीड उत्पादन के लिए, संकर बीज उत्पादन के लिए इसमें पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग का मतलब होता है पिंचिंग मेल फ्लावर ऑन दी फीमेल प्लांट। ठीक है, पिंचिंग मेल फ्लावर ऑन दी फीमेल प्लांट, तो फीमेल प्लांट पर जो मेल फ्लावर होता है उसकी पिंचिंग कर देते हैं, उसको आउट कर देते हैं, पिंच आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि क्या हो, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आप उसमें करवा सको। क्लियर है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का मतलब होता है कि उसमें आप जो है क्या करोगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें क्या चीज़ आपको चाहिए, उसके जीन आप उसके अंदर डालोगे, आपके हिसाब से उसकी मेटिंग किसी भी मेल फ्लावर से या मेल से करवाओगे किसी भी वेराइटीज़ की। तो अब मान लो एक फ्लावर है, इसके अंदर क्या है आपका, ये फीमेल भी है और ये मेल भी है। अब सीधी सी बात है कि अगर आपने इसको नहीं निकाला तो ये इसके साथ क्या करेगा, अपना फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन कर लेगा, तो क्या बनेगा, ये इसी के जो है, इसी प्लांट के क्या बनेंगे, जो बीज बनेंगे। तो क्या करते हैं, इस मेल मेल को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं फीमेल पे से, निकाल दें तो क्या होगा, बाकी आप किसी और प्लांट के यहाँ पर पोलन ग्रेन लाकर इस पर डालोगे और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करवाओगे। तो पिंचिंग की प्रोसेस इसके अंदर करते हैं। यूट्यूब पर आप वीडियो देखोगे तो इसमें मिल भी जाएगा आपको, वो शायद विदेशों का मिलेगा, फॉरेन का, पर बता देगा कैसे उसको पिंच आउट करते हैं उसको। ठीक है, बस अभी इसकी वेराइटीज़ देख लो, वेराइटीज़ में आ जाएगा पी भोग, है ना, पी भोग वन, पी भोग इसकी वेराइटीज़ है ना, और मेघदूत, मेघदूत इसकी वेराइटी है, पूसा मजेस्टी या मंजरी, कौन सी है, मंजरी, पूसा मंजरी इसकी वेराइटीज़ है, और भी बहुत सारी वेराइटीज़, सारी आपको याद करना है। ठीक है, हाँ, मंजरी है, मेघदूत है, पूसा समर प्रोलोफिक लॉन्ग, और भी है, पूसा समर प्रोलोफिक लॉन्ग, ये भी इसकी वैरायटी है, पूसा संदेश भी शायद इसी की है, पूसा संदेश, पूसा संदेश ये नई वैरायटी है, पूसा संदेश, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए, कुकुम्बर हो गया आपका, बिटर गार्ड, बिटर गार्ड में कुछ भी नहीं है, बिटर गार्ड में बता चुका हूँ आपको, बिटर गार्ड में जो है, बिटर गार्ड जो आपका करेला, ठीक है, करेला, इसमें विटामिन सी, आयरन ये अधिक पाया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें एक क्या होता है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जो मधुमेह है, मधुमेह को रोकने वाली, ठीक है, मधुमेह जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनको करेला खाने का इसलिए बोला जाता है क्योंकि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। ठीक है, इसकी जो MDU1 करके एक वैरायटी है, जो म्यूटेंट वैरायटी है, बाकी सारी वैरायटीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक, इसके अलावा आपका रीज गार्ड और स्पॉन्ज गार्ड, रीज गार्ड और स्पॉन्ज गार्ड, ठीक है, चिकनी तो रही और नजदाज रहो, दोनों के क्रोमोसोम नंबर 26-26 होते हैं, है ना, लुफा सिलेंड्रिका और लुफा एक एक्टेंगुला दोनों का नाम है। इसमें जो है एंथेसिस होता है, एंथेसिस का मतलब होता है फ्लावर बड का ओपन होना, फ्लावर बड का ओपन होना मतलब फ्लावरिंग होना, ठीक है, फूल आना, इसको हम बोल सकते हैं फूल खिलना, खुलना या खिलना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं।
तो रीच गार्ड में बच्चा, रीच गार्ड में जो ये होता है इवनिंग के समय, शाम के समय इसमें एंथेसिस होता है, मतलब शाम के समय फ्लावर खुलते हैं। स्पॉन्ज गार्ड में जो है मॉर्निंग के समय फ्लावर खुलते हैं, सुबह के समय इसमें फ्लावर खुलते हैं। एंथेसिस इसमें रीच गार्ड में इवनिंग में होता है और इसमें स्पॉन्ज गार्ड में मॉर्निंग में होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ हमें देखने की ज़रूरत नहीं, बाकी सारी वेराइटीज़ है। टेम्परेचर ऑप्टिमम आपको पता ही है, 24 से लगभग इसमें 37 डिग्री सेल्सियस तक आप जा सकते हो। बाकी इन दोनों की वेराइटीज़ नोट्स से मिल जाएगी, नोट्स से आपको वेराइटीज़ पढ़ना है। ठीक है, वेराइटीज़ इनकी दोनों से पढ़ना है आपकी। ठीक है, अब बचा आपका लास्ट में पम्पकिन। पम्पकिन इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, इसमें आपको पता है पम्पकिन मतलब हो गया कद्दू। इससे बनता क्या है, इससे बनती है येरुसेरी। येरुसेरी बनाई जाती है इससे, मतलब ये खाद्य परिरक्षक है। मैं आपको उसको मैं बताऊंगा, फूड प्रिजर्वर में भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसके अंदर येरुसेरी इसकी बनाई जाती है। ठीक है, इसको काशी फल भी कहते हैं, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, काशी फल भी बोलते हैं। इसमें जो है फूल खिलने का समय जो है फ्लावरिंग टाइम जो है इसके अंदर, या फ्लावरिंग और फ्लावर ओपनिंग टाइम, इसमें जो है फ्लावर ओपनिंग जो टाइम है वो चार से आठ बजे सुबह इसमें जो है फ्लावर ओपन होता है। एंथेसिस मतलब बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंथेसिस मतलब फ्लावर जो है कब इसमें खिलता है, तो सुबह 4 से 8 के बीच में इसमें फ्लावर खुल जाता है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो कौन सा है, रेड पम्पकिन बीटल जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है। लाल कद्दू भ्रंग बोल सकते हैं, लाल कद्दू भ्रंग इसको बोलते हैं हिंदी में, लाल कद्दू भ्रंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना है। अब इंसेक्ट पेस्ट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डिजीज़ की। तो इसमें लगता है आपका पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू दो, और आपका आ जाता है यहाँ पे बड नेक्रोसिस जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। मेन तो आपका ये डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों मेन है। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू मेन है यहाँ पर। ठीक है, और एक और हो जाएगा, ये तो पढ़ा ही चुका हूँ, चौथा और लिख लो, येलो वेन मोजेक। पाउडरी मिल्ड्यू जो होगा आपका किससे, एरिसिफी, एरिसिफी कुकरबिटेसी। एरिसिफी चिकोरी सीरम क्या होगा इसका, एरिसिफी चिकोरी सीरम ये पाउडरी मिल्ड्यू का। ठीक, और ये जनरली मार्च अप्रैल में ज़्यादा अटैक करती है, मार्च और अप्रैल में इसका अटैक ज़्यादा होता है। डाउनी मिल्ड्यू आ जाएगी आपकी पर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस। ठीक है, बर्ड नेक्रोसिस मैंने बोला एफिड के द्वारा फैलता है, वायरल डिजीज़ है। और बच्चा येलो वेन मोजेक जो है आपकी डिजीज़, ये सीराटिया मर्सेंस। सीराटिया मर्सेंस की वजह से होती है। ठीक है, इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट भी देख लेना, इंसेक्ट जो इसमें लगता है आपका, तो रेड पम्पकिन बीटल ये हो गया, रोडाफी पाल्पा, रोडाफी पाल्पा क्या नाम है इसका, राफिडोपाल्पा पोइसेलिस। ठीक है, इसकी वजह से होता है। दूसरा आ जाएगा आपका फ्रूट फ्लाई, कुकरबिट फ्रूट फ्लाई, ये आ जाएगा बेक्टोसेरा कुकरबिटी। ठीक है,
और इसके अलावा कुकर बीट, ये दो मेन है, कुकर बीट फ्रूट फ्लाई और कुकर रेड पम्पकिन बीटल। मेन रेड पम्पकिन बीटल ही जनरली पूछा जाएगा, रेफिडोपाल्पा फुइकोलिस और आपका बैक्टोसेरा कुकर बीट, ये दोनों पूछा। बाकी माइट्स भी लगता है इसमें, फ्लाई बीटल्स भी लगता है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें बता दी है ना, ये आपको करना है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है इसकी। अब आपको बचा क्या है, थोड़ा सा फ्लावर का एक या दो लेक्चर होगा, उसके बाद हॉर्टिकल्चर खत्म, फिर एंटोमोलॉजी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।